किसने सोचा था कि ओलंपिक में भारत भाला फेंक में मजबूत दावेदार होगा। यह एक ऐसा खेल है, यहाँ भारत कई वर्षों तक संघर्ष करता आया, फिर भी भारत के लिए ऐतिहासिक टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के रूप में भारत को पदक का एक मजबूत दावेदार मिला। इसके बाद देश में भाला फेंक को लेकर एक ऐसी लहर पैदा हुई कि भारत इस खेल में पावर हाउस बन गया। भाला फेंक में ऐसा दबदबा कभी जर्मनी और चेक गणराज्य का हुआ करता था। नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम सफलता ने तो अनगिनत भारतीय एथलीटों को प्रेरित किया है, जिसके चलते इस बार भारत को भाला फेंक में एक नहीं दो पदक की उम्मीद है। जी हाँ, इस बार नीरज चोपड़ा के साथ भारत को किशोर जैना से भी उम्मीद है। इस एथलीट ने बेशक नीरज चोपड़ा जितनी सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन कौशल में किशोर जैना भी नीरज से किसी भी पैमाने पर कम नहीं है। पिछले वर्ष एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर के 7 स्वर्ण तो जैना ने 87.54 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक हासिल किया था। टोक्यो ओलंपिक में ही नीरज चोपड़ा प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे, लेकिन इस बार पेरिस में किशोर जैना भी होंगे। नीरज चोपड़ा के बारे में तो अब हर कोई जानता है, लेकिन किशोर जैना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके सफर और उपलब्धियों के बारे में। जैना का पहला प्यार भाला फेंक नहीं वॉलीबॉल था। वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार के स्पोर्ट्स हॉस्टल में पहुंचा दिया। यहीं पर किशोर जैना को पूर्व उड़ीसा राज्य चैंपियन लक्ष्मण बराल ने भाला फेंक से रूबरू कराया था। जैना को वॉलीबॉल खेलते हुए देखकर प्रभावित होकर बराल ने उन्हें बांस से बना भाला भेंट किया। वॉलीबॉल के साथ ही जैना भाला फेंकने का भी अभ्यास करने लगे और कॉलेज स्पर्धाओं में कई पदक जीते। इस बीच वॉलीबॉल में उनकी लंबाई ने बाधा डाली तो उन्होंने भाला फेंक में ही करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब किशोर जैना की भाला फेंक में उपलब्धियों पर भी एक नजर मार लेते हैं। हांगजू एशियाई खेल 2023 में रजत पदक हासिल किया था। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 5वां स्थान हासिल किया था। इसके अलावा उनके नाम 87.54 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड है, जो कि नीरज चोपड़ा के बाद किसी भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी द्वारा दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे इस बार भारत को भाला फेंक में एक नहीं दो पदक हासिल हो। इसके लिए हम सब नीरज चोपड़ा और किशोर जैना के लिए दुआ करेंगे कि वह कामयाब हो।